हेलो फ्रेंड्स, मंजू मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ वनीला पेस्ट्री। ये देखिए, इसकी लेयर्स पेस्ट्री की बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, बिल्कुल से क्लियर दिख रही हैं। ये देखिए, तो चलो बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं वनीला स्पॉन्ज स्क्रैच से, और फिर हम बनाएंगे पेस्ट्री, चीज़ पेस्ट्री, चीज़ वनीला पेस्ट्री बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सामान इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा है, और यहाँ 130 ग्राम मैंने पाउडर शुगर लिया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है। इसका मेजरमेंट मैं डालते मैं आपको बता देती हूँ। और ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर है, ये 20 ग्राम है। सॉल्ट लिया है मैंने हल्का सा, और ये ऑयल है 80 ग्राम। ऑयल आपको विदाउट स्मेललेस लेना है, जो कि जिसमें स्मेल ना हो वो ऑयल लेना है आपको, ताकि आपके जो स्पॉन्ज है उसमें तेल की महक ना हो। ओके, और ये फ्रेंड्स मैंने लिया है 185 ग्राम गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर। और यहाँ मैंने लिया है विनेगर। ये मैं सारी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ जैसे जैसे मैं यूज़ लूँगी। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छलनी ली है, और यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ, और इसके साथ में मैंने लिया है यहाँ पे शुगर, ये भी मैं साथ में लेती हूँ। फिर मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। अब लेंगे यहाँ पे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमें लेना है 1 TSP। तो बेकिंग पाउडर यहाँ मैंने लिया है, बेकिंग पाउडर 1 TSP। तो हमेशा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा लिया या कम लिया तो स्पंज गड़बड़ा जाएगा। यहाँ मैंने लिया है पाउडर, ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेंगे हम 1/2 TSP। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आप इसको लेवल कर लीजिए। अब हम इसको सबको छान लेंगे। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे पिंच सॉल्ट, सिर्फ पिंच सॉल्ट, ताकि स्पंज अच्छा हो। अब हम सारे को इसको छान लेंगे। ये जो भी इसमें गांठें बचती हैं हमें इसको इस तरीके से फोड़ लेना है, क्योंकि ये बेकिंग पाउडर की होंगी। तो अगर ये थोड़ा सा भी, इतना सा भी बचता है तो उसमें भी इफेक्ट होता है। यहाँ मैं पहले टिन को ग्रीस करके रख रही हूँ। यह मैंने लिया है 7 इंची का राउंड टिन, और ओवन हमारा प्री हीट के लिए रख दिया। इसको अच्छे से अब हम लेंगे ये ड्राई ऑयल लिया है, इसको इसमें शिफ्ट, और ये पानी है लुकवॉम, ये इसमें मिक्स कर देते हैं, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें वीट इंग्रेडिएंट को ड्राई में डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। हमें एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
हमने अभी इसमें विनेगर नहीं डाला है, विनेगर डालेंगे हम सबसे लास्ट में। हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमें बैटर इसी तरीके का ही चाहिए, पर हम इसको बिल्कुल लंप फ्री बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। इसमें हमें विनेगर ऐड करना है 1 1/2, तो ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 1/2 हमने इसमें विनेगर ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से एक बार फिर से, ताकि सारा इसमें मर्ज हो जाए। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। आप इसको 160 डिग्री टेम्परेचर पे 35 से 40 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए हमारा बैटर, हमें इसी कंसिस्टेंसी में बैटर चाहिए। हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखी थी, मैं इसमें मैदा डस्ट कर लेती हूँ। मैं इसमें यहाँ पे ये मैदा डस्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा मैदा हो वो आप पूरा निकाल दीजिए, अच्छे से डस्ट हो जाए कॉर्नर्स इस तरीके से। ये हमने एक्स्ट्रा मैदा इसमें वापस निकाल दिया। अब हम इसमें बैटर को शिफ्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 7 इंच टिन लिया है। जो बैटर है सारा हम इसमें निकाल लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि बीच में हमें पेस्ट्री बनानी है, तो इसका डोम उठ के ना आए। आप इसको अच्छे से टैप कर लीजिए, ताकि जो इसके एयर बबल्स हों वो सारे निकल जाएं। अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं 160 डिग्री पे 35 मिनट्स तक। अब हम इसको शुगर के पानी से सोक करेंगे। ये शुगर का पानी मैंने ठंडा कर रखा है, आप ठंडा यूज़ लीजिए, या तो पानी ठंडा लीजिए, या फिर इसको आप सिरप बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मुझे इसमें शुगर सिरप की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरा स्पॉन्ज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप अपने स्पॉन्ज के अकॉर्डिंग ही शुगर सिरप को यूज़ लेना, क्योंकि कई क्या स्पॉन्ज हार्ड बनते हैं, कई सॉफ्ट बनते हैं, तो ये मेरा स्पॉन्ज जो है काफ़ी सॉफ्ट है। अब हम इस पे आइसिंग करते हैं। ये हमने तैयार की है इसको, व्हिप्ड क्रीम को। मैंने इसमें क्रीम ली है 125 ग्राम और चीज़ क्रीम ली है 100 ग्राम। इसमें मैंने साथ में डाली है 2 चम्मच शुगर पाउडर, क्योंकि ये जो चीज़ क्रीम होती है हल्की सी खट्टा टेस्ट आता है, तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से यूज़ ना लेके मैं इसको पाइपिंग बैग में फिल करूँगी। हमें सिर्फ इसमें इतनी यूज़ लेनी है जितने कि हम इसमें फिलिंग में
डाल सकें। इसको अगेन मैं फ्रिज में रख देती हूँ, या आप इसको इक्वली स्प्रेड कीजिए। हमें लेयर बिल्कुल अगेन हम इस पे अगला स्पंज रखेंगे। आप इसको हल्का सा मिडल में से प्रेस कर दीजिए ताकि ये इस पे सेट हो जाए। अब हम इस पे अगेन शुगर सिरप करेंगे। शुगर सिरप से सोक कर लीजिए। सोक करना बहुत ज़रूरी है क्रम को, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा स्पॉन्जी बन जाता है। हमें साइडों में क्रीम नहीं लगानी, क्योंकि हम केक नहीं बना रहे हैं, हम पेस्ट्री बना रहे हैं, तो हमें इसमें लेयर्स दिखानी बहुत ज़रूरी है, तो हमें लेयर्स दिखती रहनी चाहिए इसकी, इसलिए हमें साइडों में क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ये वाली हमने इस पे स्प्रेड कर दिया। हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केक नहीं है, इस पे हमें डेकोरेशन नहीं करनी। ये टॉप लेयर, इसको हम इस तरीके से उल्टा रखते हैं ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो इक्वल आ जाए। इसको हमने सेट कर दिया। इस पर हम शुगर सिरप सोक करते हैं दोबारा के। यहाँ हम यूज़ ले रहे हैं न्यूट्रल जेल का,
ये मैंने 2 चम्मच ली है न्यूट्रल जेल ग्लेज की। और अब हम इसमें हल्का सा ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर्स की। इसको मैं हमें इसको पानी में मिक्स नहीं करना है। अगर हम पानी में मिक्स करेंगे तो ये सारा ड्रिप कर जाएगा। हम इस बाउल में थोड़ा सा क्रीम निकाल लेते हैं, सारी हम नहीं निकाल रहे हैं, कुछ क्रीम निकाल लेते हैं फ्लावर डिज़ाइन के लिए। और हम इसमें ये कलर मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको पूरा नहीं डाल रहे हैं, लाइक ए मार्बल इफेक्ट। इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। मैं इसमें यूज ले रही हूँ स्टार नोजल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं देखिए पेस्ट्री की आप लेयर्स देखिए, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स।